स्वागत है आपका स्वराज एक्सप्रेस में। मैं हूं आपके साथ ऋतु ज्ञानवानी। अंबिकापुर में खाद्य एवं संस्कृति मंत्री अमरजीत भगत और नगरीय प्रशासन मंत्री शिव ढहरिया ने 3 दिवसीय मनपाट महोत्सव का शुभारंभ किया। इस कार्यक्रम में प्रदेश के विभिन्न हिस्सों के लोग शामिल हुए हैं। कार्यक्रम की शुरुआत दोनों मंत्रियों ने सामूहिक विवाह में शामिल होकर नव वर वधु को आशीर्वाद दिया। इसके बाद विभिन्न विभागों के लगाए गए स्टॉल का अवलोकन किया। साथ ही मनपाट के विकास के लिए अलग अलग विकास कार्यों का शिलान्यास कर सरगुजा को करोड़ों की सौगात दी। महोत्सव में 3 दिन तक कलाकार सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुति देंगे। और जिस प्रकार से मैनपाट की पहचान छत्तीसगढ़ की शिमला के रूप में है, उसकी माता को हम लोग सबको बना के रखना है। यहाँ की हरियाली बनी रहे, यहाँ की सुंदरता बनी रहे, यहाँ के जो पारंपरिक जो वेशभूषा है वो बनी रहे, हमारा जो भी ट्रेडिशनल है पहचान उसको हमको बचा के रखना है। निश्चित रूप से मैनपाट महोत्सव का आयोजन जो किया गया है, माननीय मुख्यमंत्री जी और हमारे संस्कृति मंत्री जी चाहते हैं कि मैनपाट महोत्सव आगाज अच्छे से हो और निश्चित रूप से इसका लाभ हमारे मैनपाट को भी मिलेगा और हमारे सरगुजा को भी मिलेगा। निश्चित रूप से इस महोत्सव के लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी की ओर से मैनपाट वासियों को, सरगुजा वासियों को, प्रदेश वासियों को बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ। उनको सबको धन्यवाद।